ये हमारा एसी है दोस्तों, इसकी किस प्रकार से आपने सर्विस करनी है उसके बारे में आपको ये बताएंगे दोस्तों आपने दोस्तों। ऊपर का पार्ट साफ करना है, ऊपर ज़्यादा धूल मिट्टी जमती है इसके, इसी प्रकार से ये ऊपर का जो पार्ट है उसको साफ करना है। इस फ्रेम को आपने साफ कर देना है अच्छे से। उसके उसके बाद बाद दोस्तों दोस्तों ये दोनों तरफ लॉक लगे होते हैं, इस प्रकार से ये बाहर निकल जाएगा, खुल जाएगा। आपने इस प्रकार से इसको खोल लेना है, ठीक है। इस प्रकार खोल के ये इसके फिल्टर लगे होते हैं, इनको आपने बाहर निकाल लेना है। ये जो फिल्टर लगे हैं, ये धूल मिट्टी से जो भरे पड़े हैं, इनको आपने बाहर निकालना है। ये देखिए, ये धूल मिट्टी से भरे हुए जो इसके फिल्टर हैं वो हैं, इसको कैसे आपने निकालना इसके है? फिल्टर निकाल लेने हैं, इस प्रकार से आराम से निकालने हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये फिल्टर निकल जाएंगे। अब दूसरा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको ऐसे ही निकल जाएंगे। ये देखिए इस पे कितनी धूल मिट्टी है, इस प्रकार से ये निकल। इनको आपको क्या करना है, पहले कपड़े से इसको साफ कर देना है इस प्रकार से, कि जो धूल मिट्टी इस पे जमी हुई है वो निकल जाएगी। इसके ऊपर भी है जो, पूरी की पूरी आपने साफ कर देनी है। पूरा फ्रेम है जो, ये फ्रेम भी आपने साफ करना है। इस प्रकार से आप पूरा फ्रेम साफ कर दोगे। इस प्रकार से ये फ्रेम साफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इनमें जो मैल धूल मिट्टी जमी होती है उसको ही आपने उतारना है, साफ करना है। ये देखो, जो धूल मिट्टी जमी हुई है, ब्रश लेना है, ब्रश से आपने साफ कर देना है उसको, ये इस प्रकार से। ये देखिए, ये मिट्टी बाहर आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये साफ हो रहा है। देखो बीच का भाग जो है वो साफ हो गया है। इस प्रकार से भी आप साफ कर सकते हो, या फिर आप एसी को ऑन करके साफ करना चाहो तो इसको आप फिर भी साफ कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रश गीला करके भी इसकी मिट्टी बाहर आप निकाल सकते हो। ये देखिए इस प्रकार से, ये मिट्टी देखो कितनी धूल मिट्टी इसमें से निकल रही है। आप चाहो तो इसको पानी से भी धो सकते हो, लेकिन ये इतना गंदा नहीं हुआ इसलिए नहीं धो रहे। इस प्रकार से आपने साफ करना है इसको। उसके बाद इसको भी साफ करना है आपने अच्छे से, गीले कपड़े से आप इसको भी साफ करोगे। या इसको आप खोल के, यहाँ पे लॉक होता है, इसको बाहर निकाल के भी आप अच्छे से साफ कर सकते हो। लॉन्ग वीडियो ना बने इसलिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं शॉर्ट वीडियो में। इस प्रकार से आप करोगे। अब इसके जो फिल्टर थे वो हम साफ करेंगे, कैसे करने वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये जो धूल मिट्टी से भरे हुए थे इसको, ये देखिए इस प्रकार से डस्ट है। तो बीच वाला जो इसका जो फिल्टर है वो हम निकाल लेंगे इसको, और दूसरे का भी निकाल लेंगे। अब हमने ऊपर से ये टूटी चला देनी है, तो इसको इस प्रकार से एक बार साफ करना है आपने। और जो इसमें धूल मिट्टी रह जाएगी वो आपने ब्रश से साफ करनी है। इस प्रकार से आप इसको साफ करोगे। उसके बाद ये ब्रश ले लेना है, ये देखो जो ये निकल नहीं रहा था, तो ब्रश से साफ करना है इस प्रकार से। इसको आप इस प्रकार से साफ कर लोगे। और जो दूसरे फिल्टर थे इनको भी आपने धो देना है अच्छे से, इस प्रकार से इसको धो दोगे, ठीक है। दोस्तों हमने जिसके जो फिल्टर थे वो हमने धो लिए हैं अच्छे से, और धूप में सिखा के अच्छे से इसमें जो पानी था वो निकाल दिया है, इनको भी साफ कर लिया है। अब इसके अंदर ये लगा कर इसको ये फिट करके दिखाएंगे आपको।
इस प्रकार से इसमें फिट करके इस तरीके से आप इसको फिट करोगे। उसके बाद इसको इस प्रकार से लगाना है, इस प्रकार से लगने के बाद ये लॉक होते हैं, लॉक में ये फिट हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा भी इसी प्रकार से लगेगा जी, इस प्रकार से हमने लगाने के बाद इसको इस प्रकार से फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये देखो आप, बिल्कुल ये साफ हो चुका है अब, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से फाइनली हमारा जो एसी की सर्विस है वो सही हो चुकी है। इस प्रकार से लॉक लगेगा, यहाँ पे इस प्रकार से लॉक लग जाएगा, इस प्रकार से अच्छे से लगाना है देख के, ताकि इसमें डस्ट ना चला जाए दोबारा से। इस प्रकार से आपने इसको साफ भी कर देना है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सीख ही लिया कि किस प्रकार से ये एसी की सर्विस कर सकते हो आप घर बैठे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। ये देखिए अब ये हमारा एसी चालू हो चुका है, बिल्कुल कूलिंग कर रहा है। जैसे ये पहले जो इसकी एयर थी वो कम आ रही थी, अब बहुत तेज़ हो चुकी है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए।